मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, मनुष्य इस दुनिया में श्रेष्ठ है तो मन के कारण, अन्य प्राणियों के पास भी मन है लेकिन सुप्तावस्था में है, विकसित मन नहीं है। किसी बात पर गहराई से अन्य प्राणी चिंतन मनन नहीं कर सकते। यादगिरियां उनमें बहुत थोड़ी होती है। जानवर इतना तो जान लेते हैं, गाय, बैल, घोड़ा, गधा, भैंस, ये सब जान लेते हैं कि मैं किस घर में, हम किस घर में रहते हैं, किस खूंटे के पास बंधते हैं। पक्षी अपने घोंसले को पहचान लेते हैं। बहुत से जानवर हैं जो अपने बिल को पहचान लेते हैं, उनकी याद उन्हें रहती है। बिल्कुल उनमें याद नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, थोड़ी बहुत याद तो है। लेकिन किसी बैल को यह याद नहीं रहता है कि मेरे मालिक ने सप्ताह भर पहले मुझे गाली दी थी। किसी बैल को इसलिए याद नहीं रहता है कि 10 दिन पहले मेरे मालिक ने मुझे 4 डंडा मारा था। किसी गाय को यह याद नहीं रहती है कि पड़ोस की जो गाय है वो उसने मुझे सिंह से मार दिया था। ये सब याद में नहीं है, इसलिए उनका मन बहुत हल्का है। मानसिक दुख, मानसिक पीड़ा उनके पास नहीं है। न वे अच्छी बात को याद रखते हैं, न गलत बात को याद रखते हैं। याददाश्त उनमें नहीं है, केवल घोंसला को, घर घर को, जगह को पहचानते हैं। इतना मनन उसके पास, इतनी याददाश्त उनके पास है। आदमी की याददाश्त ज्यादा होती है। और कितनी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वर्षों वर्षों आदमी याद करता है, याद रखता है। कुछ बातें तो भूल जाया करती हैं। जितना हमने देखा, सुना, मनन किया, खाया पिया, जितने लोगों से हम मिले, सबकी याद नहीं रह पाती। सबकी याद होती तो आदमी का मस्तिष्क इतना गड़बड़ झाला में पड़ जाता, उसके सुख से जीना बड़ा मुश्किल हो जाता। खास खास बातें याद रहती हैं, और वे ही बातें याद रहती हैं जिन्हें हम ज्यादा महत्व देते हैं। जिन्हें महत्व नहीं देते उनकी याद नहीं रहती। आप लोग पहली कक्षा में जब पढ़ने गए होंगे तो उस समय जिससे आपकी प्रगाढ़ मित्रता रही होगी, ऐसे एक दो बच्चों की आपकी याद, आपको याद होगी। लेकिन मैं आप लोगों से यह कहूं या पूछूं कि पहली कक्षा में जब आप पढ़ने गए थे तो कितने बच्चे आपके साथ आपके क्लास में पढ़ते थे, और कौन कौन बच्चे थे, उन बच्चों का नाम बताओ। तो 8-10-12 बच्चों का नाम बताना भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने उनको महत्व नहीं दिया। महत्व जिनको दिया वे ही याद में बने हुए हैं। अच्छे मन की पहचान क्या है? हर आदमी के पास मन है, और मन ही आदमी को दुख दे रहा है,
मन ही आदमी को सुख दे रहा है। बाहर के प्राणी और पदार्थ सुख दुख के कारण नहीं होते हैं। प्राणी और पदार्थ है पर्याप्त मात्रा में तो जीवन जीने में उनसे थोड़ी सुविधा हो जाएगी, आराम मिलेगा। लेकिन बहुत प्राणी आपके पास है, बहुत से लोगों के साथ आप रहते हैं, बहुत सारे पदार्थ आपके पास हैं, बड़ा धन, बड़ा मकान, बड़ी जमीन आपके पास है, तो आप अधिक सुखी हो जाएंगे, आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी सुविधा मिलेगी। हाँ, सावधान न रहें तो ज्यादा धन, ज्यादा बड़ा मकान, ज्यादा जमीन, ज्यादा परिवार आपके भूलने और भटकने के साधन हो सकते हैं। ज्यादा लोगों के बीच रहते हैं, सावधान नहीं है तो ज्यादा राग द्वेष मोह बैर बनने का अवसर आएगा। थोड़े लोगों के साथ रहते हैं तो थोड़े लोगों से संबंध है, थोड़ा राग बनेगा, थोड़ा द्वेष बनेगा। ज्यादा लोगों के साथ रहेंगे तो जो लोग अनुकूल रहेंगे उनके प्रति ज्यादा राग होगा, जो लोग प्रतिकूल रहेंगे ज्यादा लोग तो उन ज्यादा लोगों के प्रति द्वेष होगा। समता में जीना, जिन लोगों के बीच रहते हैं उन सब के साथ, जो सेवा करते हैं उनके साथ, जो सेवा नहीं करते उनके साथ, जो अनुकूल व्यवहार करते हैं उनके साथ, प्रतिकूल व्यवहार करते हैं उनके साथ, जो बात मानते हैं उनके प्रति, जो बात नहीं मानते हैं उनके प्रति, मन में समता भाव का रहना ये बड़ा मुश्किल है। और सुखी वही हो सकता है जिसके मन में समता होगी। विषमता जहां आई, किसी एक के प्रति ज्यादा राग और किसी के प्रति द्वेष, ना आप सुखी रहेंगे, ना परिवार के संगी साथी और सदस्य सुखी रहेंगे। इसीलिए कहा गया है, पथिक जी महाराज का भजन है, सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता ना आती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। हम ममता बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी अनुकूलता मिली हमारा मन वहां झुकने लग गया, हमने मान लिया कि हमारे हितैषी हैं, हमारे सहयोगी हैं, मन झुक गया। और उसी व्यक्ति से थोड़ी प्रतिकूलता मिल गई तो थोड़े में द्वेष बन गया। आपको ज्यादा तकलीफ कहां से मिलती है, ज्यादा मानसिक पीड़ा आपको कहां से मिलती है? आपको, हमें मतलब मनुष्य को, हम लोगों को ज्यादा मानसिक क्लेश, मानसिक पीड़ा, अशांत, संताप कहां से मिलते हैं? जिन्हें हम अपना कहते हैं, अपना मानते हैं, उन लोगों के द्वारा। आप रास्ता चलते चलते जा रहे हैं, किसी ने आपको देखा और गाली दे दिया, थोड़ा सा अच्छा तो लगेगा नहीं मन को, गाली किसी को प्रिय नहीं होती है। किसी ने गाली दे दिया, अनसुहाती बात कह दी तो अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन कोई खास दुख आपको नहीं होगा, सोचेंगे ठीक है, कह दिया जैसे उसकी समझ थी वैसा कह दिया, मेरा क्या बिगड़ता है, आप समाधान कर लेंगे। लेकिन आपके पुत्र ने आपको गाली दे दी, आपके भाई ने आपको गाली दे दी, आपके पिता ने, पति ने, पत्नी ने गाली दे दी, तब मन थोड़ा बन जाएगा। फिर वहां आप समाधान नहीं करोगे, ठीक है उसकी बुद्धि वैसी थी, तो गाली दे दिया तो दे दिया, मेरा क्या बिगड़ता है, मैं ऐसा काम नहीं करता हूं, वहां समाधान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनके प्रति ममता है और ये सोचते हैं कि मैंने इनके लिए ऐसा ऐसा किया तो ये लोग भी मेरे लिए ऐसा ऐसा ही करे, कोई मेरे साथ प्रतिकूल व्यवहार न करे, अनुकूलता की अपेक्षा है वहां पर।
अच्छे व्यवहार की अपेक्षा है वहां पर। तो जिन्हें आप अपना मानते हो, अपना कहते हो, वहीं से ही मानसिक क्लेश और संताप की प्राप्ति होती है, और उसमें भी मूल कारण हमारा अविवेक, हमारा अज्ञान। हमारे पास अविवेक नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, तो हम वहां भी समाधान कर लेंगे। हमारा ये कर्तव्य होता है कि जो लोग मिले हैं हम उनकी जितनी बने सेवा कर दें, अच्छा व्यवहार उनसे करें। सेवा करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, हमारा मन अच्छा रहेगा, प्रसन्नता से आनंद से भरा रहेगा। दूसरा अपना जाने, कितना घनिष्ठ से घनिष्ठ क्यों ना हो, उनसे भी प्रतिकूलता मिल सकती है, इस और प्रतिकूलता को सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो तैयार नहीं रखता है अपने आप को, क्लेश उसी को होता है। तो जहां ममता होगी वहीं से पीड़ा होगी, इसलिए कहीं ममता ना बनाए, समता पूर्वक जो बने कर्तव्य का पालन करे और सेवा करे। जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है उनके लिए भी हित कामना, गलत व्यवहार करता है उनके लिए भी हित कामना। समय आने पर अनुकूल लोगों के लिए और प्रतिकूल लोगों के लिए, दोनों के लिए सेवा करें, इससे हमारी प्रसन्नता बरकरार रहेगी, हमारे मन में शांति रहेगी, संतोष रहेगा, हम हर जगह प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी सकेंगे। राग और द्वेष की गांठ बनाकर कहीं भी सुख से शांति से जीवन नहीं जिया जा सकता। पारिवारिक दायित्व का भी आप निर्वहन शिक्षण नहीं कर पाएंगे, इसलिए राग और द्वेष की गांठ न बनाएं, मोह वैर की गांठ न बनाएं, समता प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। जो भी आदमी समता प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा, सहनशील रहेगा, उसको संतोष मिलेगा, उसको शांति और प्रसन्नता मिलेगी। मैं ये कह रहा था कि अच्छे मन की पहचान क्या है। हर आदमी के पास मन है, तो अच्छे मन की पहचान क्या, और मन के कारण से मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है, मननात् मनुष्यः, मनन करने के कारण ये जो प्राणी है इसे मनुष्य कहा जाता है। मनन तो आदमी करता है, लेकिन सही दिशा में मनन नहीं करता, सही बात का मनन नहीं करता, गलत दिशा में गलत बातों का मनन करता है। अच्छे मन की पहचान क्या, अच्छे मन की पहचान है गलत बातों को भूल जाना और अच्छी बातों को याद करते रहना। होता उल्टा है, हम लोग दुखी किस लिए हैं, हमारा मन चंचल और अशांत क्यों बना हुआ है। जिन्हें याद करना चाहिए उनकी हम याद नहीं रखते, उनकी याद नहीं करते, और जिनको भूल जाना चाहिए उन बातों को बराबर दिमाग में मन में हम बैठा रखते हैं और उनका मनन करते रहते हैं। व्यवहार में देख लो, हर जगह, चाहे व्यवहार की बात हो, चाहे शरीर संता स्वरता की बात हो, भोगों की दुख रूपता या सुख रूपता की बात हो, किसी की भी बात हो, व्यवहार में देख लो। आप जिस घर में रहते हैं वहां आपके माता पिता हैं, सास ससुर हैं, भाई हैं, भाभी हैं, देवर हैं, जेठ हैं, माता पिता हैं, पुत्र है, पति है, पत्नी है, बहुत लोग हैं। परिवार का मतलब ही होता है अनेक रिश्ते नाते संबंध। जरा आप सोचें, अनेक बार आपके माता पिता ने, आपके पुत्र ने, आपकी पत्नी ने, आपके पति ने, सास ने, बहू ने आपसे अच्छा व्यवहार किया होगा, अच्छी बात कही होगी, आपकी अनेक बार सेवा की होगी, कुछ कभी आपने कुछ कड़वा कह दिया होगा उसको भी सहन करके उन्होंने आपको सेवा की होगी, आपके आपके लिए पालन पालन किया होगा, अनेक बार ऐसा हुआ होगा।
उन बातों को आप कितना याद रखते हैं, और किसी कारण से आपके पिता ने, माता ने, भाई ने, बेटे ने, पत्नी ने, सास ने, बहू ने गलत बात कह दी है, उन बातों को कितना आप याद रखते हो, सोचो जरा। माता पिता ने, पुत्र ने, सास ने, बहू ने, भाई ने, भाभी ने अनेक बार अच्छी बात कही, आपकी बात मानी, आपकी सेवा की, उन बातों को भूल गए। बेटे ने, बहू ने, सास ने, पिता ने एक बार किसी के लिए कड़वी बात कह दी, डांट दिया, अब फोड़ा बना है मन उसको, बराबर मेरा बेटा मुझे ऐसा कहता है, मेरी बहू मुझे ऐसा कहती है, इतना मैं सेवा करता हूँ पिताजी की, इतनी बात मानता हूँ, सास की मैं इतनी सेवा करती हूँ, इतनी बात मानती हूँ, अब मुझे उन्होंने ऐसा कह दिया, अब वो गलत बात को लेकर के मन बराबर सोच रहा है, दुख यहां पे होता है। अच्छी बात को कहां याद रखते हैं। परिवार में सुख से जीना चाहते हैं, परिवार में सुंदर व्यवहार रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका घर स्वर्ग बन जाए, तो जितने लोग रहते हैं परिवार में, छोटे बड़े, उनके द्वारा कोई गलत काम हो जाए, जबान से गलत बात निकल जाए, आपकी अवज्ञा कर दे, अपमान कर दे, उन सारी की सारी बातों को दिमाग से खारिज कर दे, पोंछ दे दिमाग से, बिल्कुल को बिल्कुल याद ना रखें, और जितना याद रखेंगे मन उतना कटु बना रहेगा, उतना फोड़ा बना रहेगा, और फोड़ा का काम ही पीड़ा देना, छोटा फोड़ा हो बड़ा फोड़ा हो, शरीर में कहीं फोड़ा निकल गया तो किसी आदमी को आराम नहीं मिलता है, किसी आदमी को सुख नहीं मिलता है, फोड़ा का मतलब ही है दुख देने वाला। गलत बात को जितना याद रखेंगे वो फोड़ा उतना पकेगा और ममाद भरेगा, सड़ेगा, जीवन सड़ाएगा, मन को सड़ाएगा, परिवार को सड़ाएगा, इसलिए उन बातों को भूलें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसे करने दें, उधर से आप आंख बंद कर लें, गलत काम कर रहा है तो उसे समझाना पड़ेगा कि बेटा ऐसा काम ना करो, जो भी जेद पुकारते हो प्रेम से आदर पूर्वक अकेले में समझाना पड़ेगा कि ऐसा काम करोगे न तुम्हारे लिए न परिवार के लिए किसी के लिए काम अच्छा नहीं, सुखद नहीं है, बताना तो पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा, सही रास्ते में लाना पड़ेगा, वो अलग बात है, सीख देने के लिए, सुधारने के लिए कहना अलग बात है, लेकिन उसको मन में याद करते रहना, दोहराते रहना, ये गलत बात है, दुख इसी के लिए होता है। हमारा मन गलत हो गया है कि हम गलत बात को याद करते रहते हैं और अच्छी बातों को भूल जाते हैं। किसी के दोष को जितना आप याद करेंगे या हम याद करेंगे उसके लिए हमारा मन उतना कटु बना रहेगा। किसी की सद्गुण को, किसी की अच्छाई को जितना याद करेंगे उसके लिए हमारा मन उतना कोमल बना रहेगा। दोनों है, याद तो अब मेहनत उतने भी पड़ेगी, चाहे अच्छी बात को याद करो चाहे गलत बात को याद करो, अच्छी बात को याद करने में ज्यादा मेहनत पड़ेगी और गलत बात को याद करने में कम मेहनत पड़ेगी, ऐसी तो बात तो नहीं है, मेहनत दोनों में बराबर पड़ेगी, संस्कार दोनों के बनेंगे, लेकिन गलत बात को याद करेंगे तो कांटे के समान चुभते रहेंगे, कभी चैन की नींद नहीं आएगी, और अच्छी बातों को याद करते रहेंगे तो हर जगह आपके लिए फूल की सैया तैयार रहेगी, गहरी नींद में आप सोते रहेंगे, हर समय मन कोमल बना रहेगा, फूल के समान खिला रहेगा। किसको याद करना चाहते हैं आप? स्वतंत्र हैं, हम सब स्वतंत्र हैं, हर आदमी स्वतंत्र है कि किस बात को याद रखना चाहते हैं। तो अच्छे मन की पहचान, गलत बात को भूल जाना, अच्छी बातों को याद रखना, और परिवार में जीने के लिए तो ये आवश्यक है ही, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, कल्याण का काम करने के लिए भी यही आवश्यक है। जो वास्तविकता है उसको मनन करें, जिससे मन में शांति आए उन बातों को याद करें। हम क्या करते हैं, चंचलता बढ़े उनको बात को याद करते हैं। वैसे शिकायत हर आदमी की, हर आदमी शिकायत करता है, क्या करूं साहब मेरा मन बड़ा चंचल है, ध्यान में बैठता हूं मन तो रुकता ही नहीं है,
मन तो ठहरता नहीं, मन तो बहुत चंचल भागता ही रहता है। मन को भागने का कारण क्या है? मन भागता कैसे है? जैसे छोटा बच्चा होता है, स्थिर होकर के नहीं बैठता, कभी यहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां, तो कहता है ये बच्चा बड़ा चंचल है, स्थिर होकर के नहीं बैठता। क्या मन भी ऐसे ही यहां वहां दौड़ता रहता है, शरीर से बाहर निकलकर भागता है? ऐसा कुछ नहीं है। मन को भागने का अर्थ है कि गलत बातों को याद करते रहना, जो नहीं सोचना चाहिए उसको सोचना, जब नहीं सोचना चाहिए उसको उस समय सोचना, ये मन की चंचलता, यही मन का भागना है। ध्यान में बैठे, अब विवेक विचार की बात को याद करो, नहीं शांत हो रहा है मन, विवेक विचार की याद करो, अपने स्वरूप भाव की याद करो, शरीर संसार की नश्वरता है, दुख रूपता है, भय संभंगुरता, उसकी याद करो, मन अपने आप ठहर जाएगा। लेकिन नहीं, जो कुछ देखे सुने भोगे हैं उनके ख्याल, उन्हीं में मन रहा है, उसमें आवश्यक नहीं हो। ध्यान में बैठे हैं, अब सोच रहे हैं कि लड़का पता नहीं क्या कर रहा होगा, नौकर को खेत भेजा था तो पानी ठीक से चलाता होगा नहीं चलाता होगा, उसमें उसकी क्या जरूरत है? तो जिस समय जो नहीं सोचना चाहिए उस समय सोचना, ये मन की चंचलता है। जो बात नहीं सोचनी चाहिए उस बात को सोचना, यह मन की चंचलता है। जिसको सोचना चाहिए उसको सोचे, मन की चंचलता समाप्त। समस्या कहां है? हमने गलत बना लिया है अपने मन को, तो सही बात सोचे हर समय, उड़ते बैठते खाते पीते सब समय सही बात को सोचे, फिर चंचलता खत्म। सही बात को सोचने वाले व्यक्ति का मन ही शांत हो सकेगा। संसार के भोगों की बात अब सोचते रहो, उसको उनकी याद करते रहो, किसी ने आपको कटु कर दे उनकी याद करते रहो, कोई आपका बैरी है उसकी याद करते रहो, तो कभी भी मन शांत होने वाला है नहीं। जो अनुकूल है, बहुत सेवा करता है, बड़ा प्रिय, जिसके प्रति मोह है, उसकी भी याद करो तो भी मन शांत नहीं होगा, वो तो वहां भी भागेगा। ये सोचो, ये हम सोच लें कि जो अनुकूल है वो भी नहीं रहने वाला है, जो प्रतिकूल है वो भी नहीं रहने वाला, अरे मैं ही नहीं रहने वाला, मेरा शरीर ही एक दिन नाश नष्ट हो जाएगा, सोचें, सोचना है ना, ध्यान में बैठे हैं, मन तो सोचता है, सोचें कि मेरा शरीर मर गया है, लोग मुझे दफना दिए हैं, उसमें शरीर के अंग गड़ रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, सारे मांस गल गए, सारे चाम गल गए, केवल हड्डियां शेष बची हुई है, इस बात को सोचे अपने आप समाधि लग जाएगी। सोचकर देखें तो जरा, कहां इधर सोच पाते हैं? तो ना अनुकूल रहेगा ना प्रतिकूल रहेगा, हम ही खुद नहीं रहेंगे तो अनुकूल प्रतिकूल कैसे रहेगा? बड़े से बड़े भोग जिनको देखकर हमारा मन ललचाता है, कहां रहा है, कैसे रहेगा, किसका रहा है? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, किसका क्या रहा है? बड़े बड़े लोग तो चले गए, और गए तो क्या लेकर के गए, क्या साथ गया? कुछ भी तो नहीं गया साथ में, कुछ साथ लेकर तो नहीं गया, हमारी क्या दशा होगी? अंत में साथ क्या जाएगा? इस बात को तो सोचे। देखते हैं हम, जो भी हमारा आदमी जाता है दुनिया से, खाली हाथ ही तो जाता है, क्या लेकर के जाता है? नंगे बदन आता है आदमी और नंगे बदन चला जाता है, कुछ लेकर तो जाता नहीं है। हमारे दादा बाबा पर पाजा सब चले गए, खाली हाथ चले गए, कुछ लेकर नहीं चले गए, हमें भी ऐसे जाना होगा। इस बात की को सोचें, कहां अहंता होगी, किसके लिए ममता होगी, किसके लिए राग होगा, किसके लिए द्वेष होगा, लेकिन हमें कहां सोच पाते हैं? जो नहीं सोचना चाहिए उसको हम सोचते रह जाते हैं, गड़बड़ी यहां होती है। ये गलत मन की पहचान, और मन को गलत हमने ही बनाया है, गलत खुराक हमने दी है। किसी आदमी को बराबर गलत खुराक दो तो बीमार तो होगा ही होगा,
कभी कभार बार गलत खुराक कोई खा गया तो शरीर स्वस्थ है, पचा लेगा। बराबर गलत खुराक, बराबर गलत खुराक खाता रहेगा तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? बीमार बनेगा, कमजोर बनेगा। हमने अपने मन को बराबर गलत खुराक दी है और मन चाहता है तृप्ति, मन चाहता है संतुष्टि, मन चाहता है ठहराव। तो गलत खुराक खा खा करके किसी को तृप्ति कैसे मिलेगी? सदगुरु कबीर ने कहा है कि पुरता में राती है गैया सेत सिंगी है भाई। 28वें सदन बीजक के गाय एक मनोवृत्ति को गाय का रूपक दिया है और कहा ये जो गाय मनोवृत्ति रूपी जो गाय है पूर्णता राती पूरा पूर्णता प्राप्त करने में लगी हुई है। इसका जो लक्षण है, इसका जो सिंग है वे श्वेत, अर्थात इसका जो लक्षण है वो अच्छा है। मन पूरा चाहता है, पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण तृप्त। और हम देते हैं गलत खुराक दुनियादारी का, राग रंग का, मोह माया का, उससे तो उसको उसकी प्यास और बढ़ेगी, उसका रोग और बढ़ेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान का, विवेक का, विचार का, इन सब की खुराक आप मन को दे तो मन तो पूर्ण हो ही जाएगा, उसे तृप्ति मिलेगी मिलेगी। मन हर समय पूर्णता चाहता है, अपूर्णता कोई नहीं चाहता। और शरीर से लेकर संसार के जितने भी भोग माने गए हैं, इस सारे के सारे भोग अपूर्ण हैं, तो अपूर्ण भोग से पूर्णता की प्राप्ति कैसे होगी? अपूर्ण भोगों को भोग भोग करके कोई पूरा का पूरा कैसे पा सकता है, तृप्त कैसे हो सकता है? स्वभाव ही अपूर्णता है। कोई नंगा आदमी है उसके पास जाओ, भैया मुझे एक जोड़ा कपड़ा दे दो, तो क्या देगा? वो तो खुद नंगा है। कपड़ा चाहिए तो उसके पास जाओ जो कपड़ा पहना हुआ है। दुनिया तो है नंगी, मिलेगी क्या दुनिया से हमें? दुनिया क्या देगी हमें? खुद ही अपूर्ण है दुनिया। और दुनिया के भोगों को भोग भोग कर इकट्ठे कर करके हम चाहते हैं पूर्णता, तो जो नंगी दुनिया हमें हमें हमारी नग्नता को ढकेगी कैसे? इस बात का चिंतन करें तो मन तो अपने आप रुकेगा। कैसे नहीं रुकेगा मन? गलत दिशा हमने दी है मन को, गलत खुराक दी है हमने मन को। दोष हमारा, दोष मन का नहीं। और दुख आदमी को जो होता है केवल मन के कारण ही होता है, और कोई उपाय नहीं है। कोई दुख का कोई बाहर कारण नहीं है। शिकायत हमारी जरूर होती है कि मैं अमुक कारण दुखी हूं, अमुक कारण दुखी, अमुक कारण दुखी हूं। हर आदमी अपने दुख का कारण दूसरों को बताता है। दूसरा यदि दुख के कारण है तो हमारा दुख कभी दूर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दूसरे लोग तो बने ही रहेंगे। दूसरे लोग सब सब समाप्त हो जाए ये कैसे संभव है? वो तो बने ही रहेंगे, फिर हमारा दुख भी बना रहेगा। हर आदमी दुखी है, हम सब दुखी हैं, तो अपने गलत स्वभाव, गलत मन के कारण, अपने कारण से दुखी है। और उसको ठीक करें हम, बस ठीक हो जाएगा। फिर मैंने निवेदन किया।